हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर हॉल वीडियो। नाउ दिस टाइम इट्स अ नायका सुपर समर सेल हॉल। नाउ इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस हॉल जो मैंने लेटेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं फ्रॉम दिस सेल एंड ये मुझे उसके नेक्स्ट डे ही रिसीव हो गए थे एंड आई हैव ट्राइड फ्यू ऑफ देम। ओके, सो आई एम गना गिव यू द फर्स्ट इंप्रेशन एज वेल, जैसे मैंने आपको उसमें दिया था। ओके, सो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब के बटन को हिट कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright guys, so let's start with our very first item. Now ये मैंने नायका से नहीं ली है, ये मैंने Sublime Life से ली थी और आई थिंक दिस शुड बी इन द अप्रैल वाला हॉल वीडियो, बट ये उसके बाद मुझे रिसीव हुआ था, सो आई थॉट कि चलो इस हॉल में आपको दिखा दूंगी। एंड इस प्रोडक्ट की लाइक वन प्रोडक्ट की मुझे कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, आई कॉन्ट इवन टेल यू। एंड जिसने रिक्वेस्ट करी है, आई नो यू गोना बी हैप्पी। सो फाइनली आई गॉट माई हैंड ऑन दिस क्लेयर्स का वाइटामिन सी एंड वाइटामिन ई ड्यूओ किट। नाउ ये बेसिकली वाइटामिन सी का रिक्वेस्ट आ रहा था, लेकिन जब मुझे किट दिखा मैंने कहा चलो वाई नॉट। एंड इस पर ऑफर बहुत अच्छी थी, 10% या 15% का ऑफ था एंड आई थिंक 10% मुझे और मिला था। आई थिंक ये टोटल किट मुझे पड़ी है अराउंड 1400 और समथिंग। सो बेसिकली मुझे ये सिरम के प्राइस पे ही दो चीज़ें मिल गई हैं, सो आई थॉट कि चलो ड्यूओ किट ले लेते हैं। सो देयर इज़ वन वाइटामिन सी सिरम फुल साइज एंड वाइटामिन ई मास्क, ये मुझे मिला है 15 ml का क्वांटिटी। ओके, सो आई हैव बीन ट्राइंग दिस वन, अभी मैंने आज ही इस किट को ट्राई किया है। सो टुडे इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ ट्राइंग आउट दिस सेरम एंड दिस वाइटामिन ई मास्क। ओके, सो मैंने इसको डे टाइम पे ही यूज़ किया है। नाउ सेरम की बात करूँ फर्स्ट इंप्रेशन की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके, बट द ओनली कॉन इज़ कि मुझे अब ये लगता है कि यू नो इसको संभाल के रखना पड़ेगा बिकॉज इट्स प्योर वाइटामिन सी एंड इसको ऑक्सीडाइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, बट टच वुड मुझे ऑक्सीडाइज नहीं आया है, मुझे क्लियर बॉटल मिली है। सो अभी आई एम गोइंग टू यूज़ इट, बट आई एम नॉट गोना डू द लाइव डेमोज एंड ऑल बिकॉज अदरवाइज यू नो दिखाने के चक्कर में प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक ओपन रहता है और जल्दी ख़राब होता है। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस वन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, सो जल्दी इसका भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम दी फॉर्मूला आर एक्स। नाउ ये भी नायका से नहीं लिया है मैंने और ये मैंने लिया भी नहीं है। बेसिकली वन ऑफ यू टोल्ड मी ऑन इंस्टाग्राम दैट यू नो ये नया एक ब्रांड लॉन्च हुआ है, सो इसको ट्राई करो। सो आई वेंट टू देयर पेज एंड आई आस्क देम लाइक इफ यू वॉन्टेड टू यू नो कोलैबोरेट with me or I wanted to try your products because everyone is talking about your products and they were kind enough to send me one product. Okay, so this is 10% niacinamide and 2% NAG, so main isko try karungi, maine start nahi kiya isko use karna, so I'm definitely gonna share my honest opinion. All right, so now let's start with the original Nykaa wala sale haul. So first I have got this. Now if you guys following me since beginning, you guys know I have been loving the Laneige lip sleeping mask and maine aapko uske अपडेटेड रिव्यू में भी कहा था कि आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट ट्यूब वाला पैकेजिंग एंड फाइनली ये आ गया था एंड फाइनली आई गॉट माई हैंड ऑन दिस वन। सो अगेन मैंने बेरी शेप में ही लिया है, बेरी वाले वेरियंट में ही लिया है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क। ओके, सो दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक। अभी मैंने इसको ट्राई कर लिया है, इट्स नॉट दैट मॉइस्चराइजिंग एज द स्लीपिंग मास्क, बट टू कम टू अ फाइनल वर्ड आई हैव टू गिव दिस वन सम मोर टाइम। एंड इसके साथ एज सच कोई वैसे यू नो बहुत अच्छी वाली ऑफर तो नहीं थी, बस ये तीन सैम्पल फ्री थे, लाइक देयर इज़ दिस वाटर स्लीपिंग मास्क, देन आई मास्क एंड दिस टोनअप क्रीम जिसका मैंने आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था एक वीडियो में। सो दैट्स माई फर्स्ट परचेज। नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस जिलेट विनस इन द वेरियंट ब्रीज। इससे पहले मैंने इनका ब्लू वाला यूज़ किया है एंड आई एम करंटली यूजिंग दैट, तो आई थॉट कि चलो ये वाला ट्राई करते हैं बिकॉज इसमें यहाँ पे ये सोप बार्स भी लगे होते हैं। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट, सो दैट्स वाई मैंने ये पिक कर लिया है। एंड इसके साथ ये टू ब्लेड्स का कॉम्बो काइंड ऑफ था, तो मैंने कहा चलो ये वाला भी ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑफकोर्स माई बॉडी डिओड्राइजर एंड दीज आर फ्रॉम निव्या, Pearl and Beauty deodorizer and Pearl and Beauty roll on, these two you guys know how much I love this one and jinko maine recommend kiya hai they love this one, so yeah. Next I have picked these Johnson baby soap for my baby, ये buy 3 get 1 की ऑफर पे था, so I got this combo and इसके साथ ही
आई पिक द जॉनसन बेबी लोशन फॉर हर. इस बार मैंने छोटा वाला लिया. आई थॉट कि ट्रैवलिंग के टाइम पे ये छोटे वाले ठीक रहते हैं, अदरवाइज बड़े पंप वाले यू नो ट्रैवलिंग में मेरे को मुश्किल हो जाती है. सो दैट्स वाई मैंने भी छोटा लिया है. अभी बाद में देखूंगी इफ़ आई वॉन्टेड तो कोई और ट्राई करूंगी. लाइक जस्ट फॉर द टाइम बींग मैंने ये ले लिया है. इससे पहले मैंने ये यूज़ किया है. इसका रिव्यू चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हो देख लेना. ओके नेक्स्ट आई हैव पिक दिस सनस्क्रीन. दिस वन इज़ फ्रॉम बायोडर्मा. इट्स देयर फोटो मैक्स 50+ वाला क्रीम वाला वर्जन. ना इसका इन्होंने प्राइस अभी लेटेस्ट ही यू नो 699 किया था. सो दैट्स वाई थॉट कि चलो ले लेते हैं, अभी अफोर्डेबल हो गई है ये. ना इसको मैंने एक बार ट्राई किया है. ओके कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है, थोड़ी सी ऑफकोर्स क्रीम फॉर्म में है तो थोड़ी सी हैवी है. लाइक फेस पे हैवी नहीं फील होती है, बट येस जब आप मिरर में देखते हो ना तो आपको अपना फेस थोड़ा ऑयली ऑयली फील होता है. फ्रेग्रेंस नहीं है विच इज़ प्लस पॉइंट. एंड अभी आई एम सेविंग दिस वन फॉर द टाइम व्हेन आई एम गोना स्टार्ट माय रेटिनॉल्स बिकॉज आई नो दिस इज़ द बेस्ट वन. एंड ये टेस्ट में भी सब पास हो गई है कि यू नो इसका SPF जो है लाइक ये हाइएस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो या एंड इसके साथ मुझे मिला है दिस छोटा बायोडर्मा का सेंसी बायो H2O 20 ml फ्री. ओके नेक्स्ट मैंने पिक किया है सिंपल ऑयल बी गॉन माई सेलर वाटर. ओके सो मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आप की क्या रिक्वेस्ट है ऑन दिस ऑनगोइंग सेल. सो उसमें ये रिक्वेस्ट आई थी. सो मैं खुद भी यू नो ट्राई करना चाहती थी न्यू माई सेलर वाटर एज माई बायोडर्मा वन ख़त्म हो गया था. गार्नियर मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी थी. सो कुछ न्यू मैं सोच रही थी ट्राई करने का. सो फाइनली जब इसका रिक्वेस्ट आया तो आई थॉट कि चलो लेट्स ट्राई दिस वन आउट एज वेल. सो अभी मैंने 4-5 बार इसको यूज़ कर लिया है. इट्स गुड, लाइक ठीक है, अच्छा है, फ्रेग्रेंस फ्री है एंड वर्किंग फाइन. बट let me try this one out for some more time. Okay, next मैंने pick किया है from the face shop. Now if you have seen my latest जो haul मैंने April वाला haul आप लोगों से share किया था तो मैंने आपको बताया था कि face shop पे 25% off लगा हुआ था. तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, but still you know मैंने उस sale से भी ये purchase कर लिया था. I think ये इनका new packaging के साथ आया है. Jeju volcanic lava anti dust pore cleansing foam. इस तरह का लगता है. बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग थी. इसमें एक ब्लू कलर का भी है, बट आई थिंक उसके अंदर स्क्रब पार्टिकल्स भी हैं. दैट्स वे मैंने वो नहीं लिया बिकॉज आई ऑलरेडी हैव फिजिकल स्क्रब्स विद मी. सो आई थॉट कि आई वॉन्ट अ फोमिंग क्लेंजर, दैट्स वाई आई गॉट दिस वन. आई हैव ट्राइड इट वंस. बहुत कम क्वान्टिटी लगती है, फ्रेग्रेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट क्लीन बहुत अच्छे से करता है. बट ये I have to give this one more time to come to a final conclusion. But overall, first impression काफ़ी अच्छा गया है इसका. I have picked from Olay. You guys know Olay is my favorite brand. And I was planning to start my retinol journey. And मैंने आपको बहुत बार बोला था कि if I have to start my retinol journey, I will start from Olay because I trust their formulation because their formulations works great for my skin. And इनकी region rest वाली जो niacinamide वाली range है red वाली, वो भी बहुत अच्छे से suit करती है मेरे face पे. Like I know कि जब कुछ काम नहीं करेगा ना, so if I get the cream or either I get the serum, they're gonna work fine and they're gonna clear up my face. So that's why I thought let's try this one out. This one is the Olay Regenerist Retinol 24 Night Serum. And the plus point of this 24 वाली range, retinol वाली range, it's fragrance free. Okay, so भी मैंने ये serum ही pick किया है and ये glass की bottle में है अंदर, which is plus point. Okay, अभी मैंने start नहीं किया है इसको use करना because currently I'm using a peptide serum from Earth Rhythm. उसका भी 21 days challenge चल रहा है. Once that gonna be over, उसके बाद I'm gonna start it. But इसको मैं डेली नहीं यूज़ करूँगी. हम ओनली गोना स्टार्ट वंस अ वीक, देन उसके बाद लाइक वंस अ वीक ही ट्राई करूँगी. उसके बाद जब लगेगा कि हाँ अभी ठीक है, देन ट्वाइस अ वीक करूँगी. अदरवाइज उससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ बिकॉज इट्स रेटिनॉल एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो ओवर बोर्ड विद एनी थिंग. ओके सो या आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई दिस वन आउट सुपर सुपर सून. लास्टली मैंने पिक किया है दिस फ्रॉम क्लिनिक. ना क्लिनिक पे भी बहुत अच्छी एक ऑफर आई हुई थी और बहुत और अच्छे अच्छे कॉम्बोज भी थे, बट यू नो मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स थे. सो दैट्स वाई मैंने ये छोटा वाला पिक किया है. एंड ये भी इनका बिल्कुल न्यू लॉन्च है. दिस इज़ द 100th ऑटो
रिप्लेनिश हाइड्रेटर, लाइक ये 72 आवर ऑटो रिप्लेनिश वाला था, उसी को इन्होंने और एडवांस करके 100 आवर का कर दिया है. सो मैंने ये छोटी वाली पैकिंग पिक करी है 15 ml की, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट फर्स्ट. एंड इसके साथ देवर गिविंग दिस 7 ml का लिप हाइड्रो प्लम्प ट्रीटमेंट फ्री, सो विच वॉज अ डील. लाइक मैंने इनको ट्राई कर लिया है एक एक बार. आई लाइक दिस वन, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा गया है, बट लेट्स सी कैसा आगे निकलता है. एंड ये भी मैंने एक बार ट्राई किया है, बहुत अच्छा है, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. सो दैट्स द परचेज फ्रॉम क्लिनिक. दोज वर माई प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ऑन गोइंग सेल. आई एम गोइंग टू गिव दीज ऑल सम मोर टाइम एंड देन एम गोना कम अप विद अ फाइनल वर्ड्स, लाइक वेदर एम गोना बी रिकमेंडिंग देम और नॉट. सो या, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव दिस वन अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. अंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.